नमस्कार, मैं रोहित हिंदोत्रा, वार्ड नंबर 6 का निवासी। हम यहाँ के मार्केट है हमारी यहाँ पे। मैं दिखाना चाहूँगा, ये पीछे नज़र मारिए आप, रोड की क्या हालत है। सरकार के बड़े बड़े दावे, ये दावे हैं। हमारे युवा रैपुर सभा के साथी जेल में अंदर हैं। पूरे जम्मू कश्मीर के नेता यहाँ पे आए, उन्होंने क्या देखा होगा। मैं प्रशासन को पूछता हूँ, क्या ये तरक्की है। आए दिन यहाँ पे हादसे होते हैं, आए दिन यहाँ पे पशु नालों में गिरते हैं, लोग गिरते हैं। साथ में वुमेन कॉलेज है, हमारे मजिस्ट्रेट की गाड़ी यहाँ से निकलती है। ये तरक्की है हमारे देश की। हमारे रोड्स, एजुकेशन और हेल्थ, ये हमारी बेसिक नीड्स हैं। अगर ये ही नहीं पूरी होंगी तो लोग क्या उम्मीद रखेंगे सरकार से। मैं प्रशासन को चेतावनी देना चाहूँगा कि जल्द से जल्द ये खड्डे भरे जाएँ और रोड की तरफ ध्यान दिया जाए। नाले का काम लगा 1 साल से ज़्यादा हो गया, लोग सफ़र कर रहे हैं, बच्चे नालों में गिर रहे हैं। इसका जवाब कौन देगा। ये कैसा प्रशासन है, ये कैसी सरकार है। धन्यवाद। किस तरह से आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में हर तहसील, हर डिस्ट्रिक्ट में जो है प्रदर्शन पे प्रदर्शन हो रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप। हम बिल्कुल समर्थन करते हैं युवा रायपुर सभा का, वो बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है। अगर रोड्स की ये हालत है तो टोल किस बात का देंगे हम, बताइए ना। टोल तो हम देते हैं मेंटेनेंस के लिए, ये मेंटेनेंस है। अगर यही हाल चलता रहेगा तो जम्मू कश्मीर के हालात बद से बदतर होते जाएंगे। एलजी साहब यूपी से आए हैं, गोरखपुर से हार कर आए हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन लोगों पे निकाल रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलेगा। अभी तक जो सदस्य हैं राजपूत सभा के, अभी तक वो हिरासत में हैं, क्यों नहीं उनको सरकार जो है वो रिहाई दे रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप। हम उनकी गिरफ्तारी की निंदा करते हैं और शाम को 6 बजे शहीदी चौक में हमने धरना प्रदर्शन रखा हुआ है। हमारे युवा साथी हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, हम उनके साथ शाना थाना चल रहे हैं और चलते रहेंगे। शाम को कल कठुआ बंद रहेगा। पूरे समस्त हमारी संगठन, हमारे जितने भी सिख समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट लोग हैं, सभी हमारा समर्थन कर रहे हैं और शाम को 6 बजे एक जोरदार प्रदर्शन श्री योग में होगा। एक तरफ बात कह रही है कि 9 साल बेमिसाल हैं, दूसरी तरफ आपने ये डिस्ट्रिक्ट जेल कठुआ का ये नज़ारा दिखाया है, किस तरह के देखते हैं उनके 9 साल बेमिसाल। मैं ये चीज़ मानता हूँ, मैं भाजपा से वाबस्त हूँ, लेकिन जो कमियाँ हैं वो कमियाँ हैं, उसका हम विरोध करेंगे, पहले भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम समाज सेवा का भाव लेकर संगठन जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे, लेकिन जो चीज़ गलत होगी हम उसके खिलाफ जरूर बोलेंगे। इतने खड्डे पड़े हैं, कल एक्सीडेंट हुआ तो चोट लगी और तो अभी हॉस्पिटल में पड़ी है। तो 3-4 रोज के एक्सीडेंट होते हैं, तो खड्डे पड़े हैं, तो एक ठेका खोल दिया पास में, बच्चे सभी बर्बाद कर दिए, नहीं नौकरी दे रहे बच्चों को, तो 12-12 लोगों के जूठे बर्तन मांझ के तो बच्चे पढ़ाए, तो उधर दारू पीने दीजिए सरकार ने दस दिया क्या ये नौकरी नहीं दे रही, तो दारू पीने सिखा रही सरकार यह दिया कि असी 9 साल के बड़े बड़े काम किए ना, वो सारे की सुना दी क्या काम जो सप आंदा सारे अंदर जाते हैं, कि पानी थाड़ होंगे खड़ोते तो लख लख इतना बच्चे दियाँ वर्दियाँ खराब हो गई, कोई लंघता नहीं, गाहक बंद हो गए, खाना की है जो कमागे नहीं तो खाना की है, सारे इन्हें बैठे से चुप चपाते, पूरी मार्केट बंद है। सरकार की के संदेश देना चाहते हो। आने में तो रोड बनने चाहिए, तो जड़े अंदर जेलां च कीते ने छड़ने चाहिए, बेनजायज अंदर कीते ने, बोलना पौंदा है, जी दुख होया उन्हें तो बोलना ही, जिन्हें नहीं दुख हो तो बैठे तो कुर्सियां डाई अपने अंदर आए, जो गरीब जनता उन्हें तो जरा दुख है, उन्हें भी उन्होंने बोलना बोलना। नाम है वार्ड नंबर 2 से रहता हूँ मैं, जेल के सामने। और सर ये कम से कम भी 5 साल हो गया इस रोड को टूटे हुए। हमने 3-4 बार प्रशासन को भी बोला कि सर ये नाला ब्लॉक है, उधर 2 आदमी का काम है, दो आदमी लगे तो पूरा पानी बंद हो जाता है। प्रशासन हमारा कोई नहीं सुनती है, बोलते हैं टोल दो, 380 रुपये हम टोल देते हैं, किस बात के देते हैं, कि हमारे रोड साफ रहने चाहिए। ये हालत है रोड की, ये बेड़ा गर्क कर दिया गवर्नमेंट ने बेड़ा गर्क कर दिया, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोगों को तानाशाही करते हैं, जो कोई प्रदर्शन करता है उसको उठा के जेल में फेंक देते हैं। ये कानून है, मैं तो बोल रहा हूँ, इन्होंने पूरा गंद डाल दिया, हॉस्पिटलों में जाओ कोई केयर नहीं करता, कोई डॉक्टर नहीं आता टाइम का, कोई पूछता नहीं है, पर्ची कटानी हो 3-3 घंटे उधर लाइन में लगना पड़ता है। ये हालत है सरकार की, मोदी सरकार बोलती है हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, गरीबों के लिए ऐसे कर रहे हैं, किलो किलो आटा देते हैं, इतना सा तो चिड़ियाँ खा जाती है।